हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. माय सेल्फ सुनील भारद्वाज. आई एम द फैकल्टी ऑफ स्टूडेंट. आई विल डिस्कस विद यू एनर्जी ट्रांसफर इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हम क्या देखेंगे कि एनर्जी का किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है. तो आपको ये तो पता होगी कि एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है. उसको क्या करते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. तो मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी की. तो एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. एनर्जी को पढ़ने से पहले मैं आपको पहले तो डेफिनेशन सुन लीजिए कि एनर्जी की डेफिनेशन क्या है. एनर्जी की जो डेफिनेशन होती है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, या कह सकते हो द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी. लेकिन एनर्जी को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में कि हमारे पास में वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है. वर्क डन की डेफिनेशन होती है कि द वर्क डन इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द बॉडी इज डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. कि जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करोगे तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या होगी, डिस्प्लेस होगी, मूव करेगी. ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट था एनर्जी का. तो एनर्जी की मैं बात करता हूँ, किसकी मैं बात करता हूँ बेटा, एनर्जी की मैं बात करता हूँ. अगर मैं ये कहूँ कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर, ठीक है, जो एनर्जी होती है वो दो पार्ट्स में होती है. एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी. क्यों? क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, देखिए, जब भी आप किसी भी स्प्रिंग को क्या करते हो, आप इस तरीके से खींचते हो, स्ट्रेच करते हो, तो वो क्या होता है, पोजीशन चेंज होती है. क्या होती है, पोजीशन चेंज होती है. पोजीशन चेंज होने का मतलब है कि उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ है और उस पर क्या लगा है, फोर्स भी हुआ है. लेकिन वर्क डन के लिए क्या फैक्टर होना चाहिए, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क डन ही क्या है, इट इज इक्वल टू एनर्जी है. तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी रहती है. पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, या रिगेन टू इट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर कोई भी स्प्रिंग क्या आ जाए, वापस आ जाए. जैसे मैंने आपको पढ़ाया था इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के केस में, ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप साइज एंड वॉल्यूम. ठीक है, इस तरीके से ही यहाँ पर क्या है, एनर्जी की बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की बात पे, कि आफ्टर रिमूवल ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स द स्प्रिंग रिगेन्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, इज नोन एज क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, इस तरीके से हम कहेंगे. तो इसके कंसेप्ट में अगर मैं बात करता हूँ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, एनर्जी, एनर्जी इन सिंपल सिंपल हार्मोनिक मोशन मोशन. तो ये हमारे पास में क्या रहेगा, कंसेप्ट है आज का, क्या रहेगा, कंसेप्ट है आज का. तो ये देखते हैं, तो ये कह रहा हूँ द एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज द एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर लेटर is partly kinetic energy, partly kinetic energy and partly potential energy, potential energy. ठीक है, ये कह दिया कि द एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज पार्टली, दो तरीके की पार्ट्स में डिवाइड रहेगी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक किसके, पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या रहेगी, डिवाइड रहेगी. मैं ये कहना चाहता हूँ व्हेन अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड इन द मेन पोजीशन, ठीक है, इन द मेन पोजीशन
डिस्प्लेस इन मेन पोजीशन बाय डूइंग वर्क अपॉन इट। ठीक है, तो हमारे पास में क्या रहेगा, एक वर्क डन हमें मिल जाएगा। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि जो हमारे पास में है, अगर मैं पहला केस करता हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी का, किसका मैं बात कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी। इसको हम किससे करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। लेकिन इस केस में अगर मैं ये कहता हूँ, नाउ द डिस्प्लेसमेंट, नाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय। तो हमारे पास में जो इसकी इक्वेशन रहेगी वो क्या रहेगी, ए ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नोट, यही तो रहती है। जब हम डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करता हूँ तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो ये हमारे पास में क्या रहेगा, हमारे पास में रहेगा ये डिस्प्लेसमेंट, क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करता हूँ तो आप निकालिएगा, सबसे पहले वेलोसिटी निकालिए। वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा, वेलोसिटी रहेगी हमारे पास में वी, और ये रहेगा डी एक्स ओवर में डी टी, विच इज इक्वल टू ए कॉस का क्या रहता है, माइनस साइन, क्या रहता है, माइनस साइन, ऐसे कर लेते हैं, ए माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इंटू में ओमेगा। तो वी जो रहेगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये क्या रहेगा, हमारे पास में एक वैल्यू रहेगी, किसकी, इसकी वैल्यू रहेगी। तो वेलोसिटी हो जाएगा। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी के जो है हमारे पास में वो क्या चीज़ है, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी की वैल्यू आपको पता ही है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है हाफ एम, और वी की वैल्यू क्या चीज़ है, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का स्क्वायर। तो आप इसको कर दीजिए, के इज इक्वल टू 1/2 m, अब माइनस का करोगे तो माइनस का प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। आपको पता है, आप इसको इस तरीके से कर दीजिए, के इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये केस हमारे पास में इस तरीके से रहेगा। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि हमारे पास में जो एक्स था वो क्या था, एक्स था ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो आपने इसको क्या कम कर दिया, दिस इज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, और आपने क्या कर दिया, ए स्क्वायर, इसको लिख दिया 1 माइनस क्यों, ये तो रहेगा ही, इसको आप लिख सकते हो, साइन स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये आपने इस तरीके से वैल्यू यहाँ पे रख दी है, और आपने इसको लिख दिया दिस इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। आप ये कहना चाहो
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नोट, तो हमारे पास में ये रहेगा, तो के इज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, और ये रहेगा ए स्क्वायर माइनस, ये किसकी है, अगर यहाँ से देखोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नोट, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ, आपको पता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहता था, के बाई एम, और के इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो आप इस इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के, ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, के, ये तो काइनेटिक एनर्जी वाला के है, अगर आप लिखना चाहो तो इसको के ई लिख दीजिए, नहीं तो दिक्कत करोगे आप, ठीक है, के ई काइनेटिक एनर्जी। और ये हमारे पास में क्या चीज़ है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। तो ये इस तरीके से देख लिए, अगर यहाँ पे मैं स्पेशल केसेस की मैं बात करता हूँ, किसकी, स्पेशल केसेस की, तो देखिए स्पेशल केस क्या रहेंगे, तो हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी वो आ गई है हाफ के ए स्क्वायर माइनस क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर। तो स्पेशल केस की अगर मैं बात करूं, पहला केस है हमारे पास में केस नंबर वन, अगर मैं इस केस में बात करता हूँ तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, केस वन में मैं ये कहना चाहता हूँ इफ़ द पार्टिकल इज एट मेन पोजीशन, तो मैं मेन पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, मेन पोजीशन, मेन पोजीशन सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या है, जीरो, सो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन इज क्या आ जाएगी हमारे पास में, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 के ए स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो ये केस आपको याद रखना है। सेकेंड केस क्या कह रहा है, सेकेंड केस कह रहा है ये कह रहा है इफ द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है, तो ये कहता है इफ द पार्टिकल पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजिशन पोजिशन सच दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, सो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, 1/2 के हमारे पास में रहेगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू, या तो आप प्लस ए लिखिए या माइनस ए लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हमारे पास में आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1/2 के, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो दिस इज जीरो। तो इस केस में हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी, किसके केस में रहेगी, ये एट द एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है, किसके केस में रहेगी, एट द एक्सट्रीम पॉइंट। इसी तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट करता हूँ, दूसरा पार्ट हमारे पास में क्या रहेगा, दूसरा केस है हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी का, सेकेंड केस की मैं बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसका मतलब यू,
किसकी मैं बात कर रहा हूँ? यू की मैं बात कर रहा हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, आपकी पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का केस, पोटेंशियल एनर्जी के केस में कहता है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, व्हेन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, इक्विलिब्रियम पोजिशन इज एक्स, देन द रीस्टोरिंग फोर्स, स्टोरिंग फोर्स फोर्स इज गिवन बाय, गिवन बाय। तो हमारे पास में जो रीस्टोरिंग फोर्स रहेगा वो रहेगा एफ इजक्ल टू माइनस के एक्स। क्या रहेगा? एफ इजक्ल टू माइनस के एक्स। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं इसकी मैं बात करता हूँ, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एफ इजक्ल टू के एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट उसमें ये कहता है इफ द पार्टिकल, पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस डिस्प्लेस थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस कितनी है डी एक्स, देन द वर्क डन, द वर्क डन अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स, अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स। तो हमारे पास में जो वर्क डन रहेगा डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू रहेगा एफ इन टू में डी एक्स। ठीक है, क्या रहेगा? एफ इन टू में डी एक्स। तो यहाँ तक हमारे केस में क्या रहेगा? ये वर्क डन रहेगा और रीस्टोरिंग फोर्स रहेगा, रीस्टोरिंग का मतलब है नेगेटिव फोर्स रहेगा, तो माइनस डी एफ। अगर मैं ये कहूँ डी डब्ल्यू इजक्ल टू माइनस एफ की वैल्यू क्या चीज़ है, माइनस के एक्स और क्या है डी एक्स, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस के एक्स डी एक्स। आप इसको लिख सकते हो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स। ये एक इक्वेशन आपने बना दी, ये वन है तो ये टू हो गई और ये क्या हो गई आपके थर्ड हो गई। नाउ द स्मॉल वर्क इज डन, नाउ टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन डन हैविंग, हैविंग पोजिशन, पोजिशन एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हमारे पास में वर्क डन क्या रहेगा, देखिए यहाँ देखिएगा इसको, तो यहाँ रहेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो टू एक्स डी डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू जीरो टू एक्स, और हमारे पास में क्या रहेगा के एक्स डी एक्स। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू के इज कॉन्स्टेंट और हमारे पास में क्या रहेगा एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स का करेंगे तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, तो एक्स की पावर क्या वन है, तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू अपॉन में वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू। तो ये हमारे पास में से हो जाएगा जीरो टू एक्स, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W इज इक्वल टू जो हमारे पास में वर्क आएगा वो आएगा वन बाई टू, वन बाई टू के एक्स स्क्वायर, वन बाई टू के एक्स स्क्वायर, दिस इज द वर्क डन। हमारे पास में क्या आएगा, ये वर्क डन आएगा। तो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछिएगा।
तो हमारे पास में इक्वेशन आ गई है W इक्वल टू, क्या आया है W इक्वल टू हमारे पास में आया है, जो इक्वेशन आई है वो इक्वेशन आई है हमारे पास में W इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। दिस इज द, आपको पता है द वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास में जो वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू। तो डब्ल्यू बराबर क्या रहेगा, यू रहेगा। तो यू बराबर क्या रहेगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास में इस तरीके का फॉर्मेट रहेगा। अगर आपको पता है, आपको यहाँ पता है, अगर इसको मुझे एम्पलीट्यूड के फॉर्म में लेना है तो हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो क्या, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अगर इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो हमारे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी 1/2 के एक्स स्क्वायर का, मतलब ये रहेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। ये हमारे पास में इस तरीके की एक इक्वेशन हमारे पास में बन जाती है। बताइए, ये भी लिख सकते हैं और ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसके भी स्पेशल केसेस की बात करूँ कि अगर मैं मीन पोजीशन पर चेक करता हूँ, मीन पोजीशन पे हमारे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, जीरो रहेगी, ठीक है। क्या रहेगी, मीन पोजीशन पर। देखो इस केस, देखिए केस फर्स्ट मैं यही निकाल देता हूँ। एट मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन सच दैट एक्स इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास में ये है, दिस इज इक्वल टू 1/2 के और जीरो स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, जीरो रहेगी इस केस में। सेकंड केस की मैं बात करता हूँ, ये रहेगा एक्सट्रीम पोजीशन की मैं बात करता हूँ, एक्सट्रीम पोजीशन सच दैट हमारे पास में एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में 1/2 के ए स्क्वायर रहेगी दोनों केसेस में, ठीक है। तो दोनों केसेस में हमारे पास में क्या रहेगी, ये रहेगी। इसका मतलब मैं ये कह देता हूँ, इफ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ हार्मोनिक ऑसिलेटर देन इट्स मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी हमारे पास में, अगर मैं टोटल एनर्जी की मैं बात करता हूँ, टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और हमारे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी वो क्या आई थी बेटा, क्या आई थी, देखो ई टोटल एनर्जी, वो आई थी 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या थी, ये थी हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और कर दो 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर। आप इसको ओपन कीजिए ब्रैकेट को, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर ओके प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये माइनस आएगा इस पे, और यहाँ प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास में जो एनर्जी बनती है, बचती है, वो क्या है, 1/2 के ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट बचती है। देखिए उसमें भी जब मैं बात कर रहा था, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स जीरो हो गया था, क्या हो गया, मीन पोजीशन पर एक्स जीरो हो गया, तो हमारे पास में ये एनर्जी आई थी, यहाँ पर एक्सट्रीम पर ये नहीं है। इसका मतलब क्या चीज़ है, ये कहना चाहता है कि हमारे पास में इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन, तो मैं ये कहना चाहूँगा इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स द
टोटल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज कंजर्व। तो आप यहाँ पर देखिएगा, जब आपने एनर्जी निकाली है तो E बराबर क्या है, 1/2 के ए स्क्वायर आया, क्या है के ए स्क्वायर आया है। यस, क्या आ गया हमारे पास में कि जो टोटल एनर्जी थी, टोटल एनर्जी वो क्या थी, E इज इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर आ गया। क्या ये टोटल एनर्जी क्या आ गई, ये है। आपको पता था कि K बराबर क्या था, एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल एनर्जी में जब देखोगे E इक्वल टू 1/2 के की जगह क्या था, एम ओमेगा ए स्क्वायर। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, और ओमेगा क्या चीज़ है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π𝛎, इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस तरीके से केस आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ओमेगा की वैल्यू देखना चाहूँ, तो E इज इक्वल टू 1/2 m, ये कितना हो जाएगा, 4π²𝛎² a² इससे ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो E इज इक्वल टू 2π² m² a² तो ये हमारे पास में इस तरीके से डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जो ई है, ई फर्स्ट केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास ऑफ द स्प्रिंग के, किसके, मास ऑफ द स्प्रिंग के, या कह दीजिए इनर्शिया कांस्टेंट के, किसके, इनर्शिया कांस्टेंट के, ठीक है, या इनर्शिया फैक्टर के, किसके, इनर्शिया फैक्टर के। दूसरे केस में जो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किसके है, स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी के, क्या है, द स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी के। थर्ड केस की अगर मैं बात करता हूँ, थर्ड केस में जो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, किसके है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। तो ये केस आपको पते होने चाहिए कि किस किस पर ये हमारी एनर्जी डिपेंड करती है। पहले क्या करती है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, भाई ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द स्प्रिंग, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्रिक्वेंसी, ठीक है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, क्या है, द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर इसके इफेक्ट को मैं ग्राफ के माध्यम से देखता हूँ, किसके माध्यम से देखता हूँ, ग्राफ के माध्यम से, तो देखिए मैं एक ग्राफ आपको बनाता हूँ कि हमारा ग्राफ क्या रहेगा। इस तरीके का ये ग्राफ है, ठीक है। यहाँ जो लाई करेगी वो क्या लाई करेगी, यहाँ पर लाई करेगी, दिस इज़ द एनर्जी, क्या चीज़ है, एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, इसका मतलब ई। तो ई जो हमारी लाई करती है बेटा, वो करती है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे जो हमारे पास में इस तरीके से ये इधर और इस तरीके से ये इधर, इस फॉर्मेट में हमारी ये लाई करेगी। इसका मतलब ये, अगर मैं बात करता हूँ, दिस इज़ द ओरिजिन, ये हमारे पास में एक्स इज इक्वल टू माइनस ए है, तो ये एक्स इज इक्वल टू क्या है, प्लस ए है, और ये एक्स इज क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये किस, कौन सी एनर्जी का पार्ट है, ये है हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जब पाथ आया है वो कैसा आया है बेटा,
वो आया पैराबोलिक फॉर्म में। किसके फॉर्म में आया? पैराबोलिक फॉर्म में। सिमिलरली हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी का जो केस है वो केस भी क्या है, ये है। ये स्ट्रेट लाइन किसके लिए है? ये टोटल एनर्जी का पार्ट है। ये स्ट्रेट लाइन किसका है? टोटल एनर्जी, ठीक है। और ये वाला किसका है? ये है हमारे पास में U, और ये है हमारे पास में, इसको कहते हैं K, और इसको कहते हैं हम E, ठीक है। तो ये कैसे फॉर्मेट दिखा रखा है? ये दोनों जो दिखा रखे हैं ये हैं पैरा बोलिक फॉर्म, ठीक है। क्या चीज़ है? पैराबोलिक फॉर्म है। तो ये हमारे पास में, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टू डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास में इस तरीके का आपको ग्राफ देखने को मिलता है। समझ में आया? क्या मिलता है आपको? इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलता है। तो ये सारा कंसेप्ट आपने पढ़ लिया है आज, एनर्जी ट्रांसफ़र इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको इस आर्टिकल के अंदर मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।